वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। सो व्यूअर्स, पकौड़े बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए तो ये है मेरे पास बेसन और इसकी क्वांटिटी है 1.5 पाव। 3 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए और इनको बारीकी से काट लिए, कुछ धनिया की और कुछ पुदीने की पत्तियाँ, 1 दरमियाने साइज की प्याज बारीक कटी हुई, 1 कप हम लोग लेंगे ऑयल, 1 दरमियाने साइज का टमाटर और इसको भी हम लोगों ने बारीकी से काट लिया, 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ड्राई कोरिएंडर यानी कि सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून यानी कि आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 3 अदद आप लोगों ने लेनी है हरी मिर्चें और इनको बारीक काट लेना है। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं कि ये मैंने लहसुन लिया और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिए, तो इसकी क्वांटिटी है 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच। तो अब हम लोग ले लेंगे किसी भी साइज़ का बाउल, यू विल टेक बाउल ऑफ एनी साइज और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसन हम लोगों ने ऐड कर लिया, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू, प्याज। तो प्याज ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल, अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन यानी कि गार्लिक, पुदीना और धनिया, टमाटर। तो सारी रंग बिरंगी चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ। तो अब ऐड करेंगे हम लोग ड्राई कोरिएंडर यानी कि सूखा धनिया, टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। तो अब हम लोग इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद। तो इन हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए, तो ऐड करेंगे हम लोग 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। तो ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। तो अब हम लोग पानी ऐड करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। सो व्यूअर्स, पकौड़े बनाने के लिए हमारा बैटर एकदम रेडी है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो चलिए पकौड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई हम लोगों ने ले ली है, किसी भी साइज़ की आप लोगों ने ले लेनी है और इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल ऐड करेंगे यानी कि 1 कप। तो अब हम इसे गर्म होने देंगे, तो नीचे से फ्लेम मीडियम है। तो ऑयल मैंने 1 प्याली ऐड किया। तो आप चाहें तो फ्राई करें तो चम्मच से भी कर सकते हैं और हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ की मदद से करेंगे वो उस तरह के चम्मच से नहीं हो सकते, इसलिए अगर आप हाथ से करें तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। सो व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर पकौड़े तलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और चटपट बन जाती है, आप अफ्तारी में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। तो अगर आप लोगों ने पालक पकौड़ा की रेसिपी देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अभी जाएँ देख लें, तो वो भी बहुत मज़े की रेसिपी है। तो जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो पलटा देंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कलर कितना ही ज़बरदस्त आया, लाजवाब कलर। तो इस तरह हम लोग पलटाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया। तो पहले हम लोगों ने फ्लेम मीडियम रखी थी ताकि ऑयल हमारा गर्म हो जाए। तो अब हम लोग फ्लेम मीडियम लो कर देंगे ताकि पकोड़े हमारे अंदर से कच्चे ना रहे। अगर फ्लेम हाई होगी तो बज़ाहिर तो पकोड़े पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, तो इसलिए आप लोगों ने फिर
फ्लेम जो है मीडियम लो कर लेनी है। सो व्यूअर्स, दोनों साइड से पक चुके हैं हमारे पकोड़े, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मार्वेलस कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड राउंड चल रहा है हमारा। तो ये हम लोगों ने ऐड कर लिए ऑयल के अंदर, और अब साफ साफ पता लग गया, ये देखिए कि नीचे से कलर चेंज हो चुका है। तो फिर हम पलटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही अमेजिंग, फैंटास्टिक और बहुत ही जायकेदार पकोड़े ये बनते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं, चटपट बन जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो आइकॉन है उससे आने वाली मेरे हर रेसिपी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।